हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा वो हमारे लिए हम में जो अव्वल है और जो बाद में आने वाले हैं सब के लिए एक ख़ुशी की बात होगी एक ख़ुशी का दिन होगा तेरी तरफ़ से एक निशानी हो जाए और तू हम को रिज्क अता फरमा और तू बेशक सबसे बेहतर अता करने वाला है इस्लामी शरीयतों में याद रखिए ईद का मतलब ये नहीं है कि कौमी त्यौहार एक दिन हो जिसमें तमाम अखलाकी कूद और शरीयत के ज़ाबतों को पामाल करते हुए बेहुदा तरीक़े से इंसान तरब मसरत का इजहार करे बिल्कुल भी नहीं चरागा करे खुशियाँ मनाए जश्न मनाए जैसा कि आज कल लोग यही मफहम उसका समझते हैं कि बस आप तमाम अखलाकी कूद को छोड़ दें हाँ जो है आप जितने बुरे आमाल हो सकते हैं वो सारे के सारे ईद के दिन अंजाम दें ऐसा नहीं है इस्लामी शरीयत में त्यौहार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है और लोग इसी को समझते हैं और इसी तरह जो है मनाने की कोशिश करते हैं यहाँ भी इसा अली सलाम ने इस दिन ईद मनाने की ख्वाहिश का इजहार किया और इसका मतलब यही था कि हम तेरी तारीफ़ करेंगे तेरी तमजीद बयान करेंगे तेरी तकबीर तेरी तहमीद करेंगे बाज़ अहले बिदायत ने ईद मायदा से ईद मीलादुलनबी के जवास को साबित करने की कोशिश की है हालांकि अव्वल ये तो हमारी शरीयत नहीं है ये तो हज़रत ईसा की शरीयत है और जितनी सबका शरीयत में जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मनसूख है इल्ला ये कि हमारी शरीयत किसी चीज़ की तस्दीक कर दे है ना ये तो पहले की शरीय थी दूसरा ये कि हज़रत ईसा ने सिर्फ इजहार किया था और वो भी जो है अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं अम्बिया कराम भी अम्बिया कराम भी किसी चीज़ को उस वक्त तक किसी चीज़ का हुक्म नहीं देते हैं जब तक कि वो जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर जो है अपनी मुहर ना लगा दे और तीसरी चीज़ ये कि ईद का माना जो मफहूम भी ये नहीं जैसे कि हमने पहले देखा कि जो है जैसा चाहे वैसे खुशी मनाए नहीं वो भी शरीय के दायरों में रहते हुए होना चाहिए लिहाजा ईद मिलादुन्नबी में तो ये तीनों में से कोई भी चीज़ पाई नहीं जाती है लिहाज़ा इसमें कोई शक नहीं कि वो एक तरह की बिरात है देखिए एक बात समझिए कि शरीयत ने मुसलमानों को मोमिनों को जो ईद दी है वो सिर्फ दो ईदें हैं ईदलफ़ित्र और अधा, जिसको मुस्तकिल तौर पर मनाया जाता है जिसमें खुशी मनाई जाती है इसके अलावा तीसरी कोई ईद नहीं है हाँ बाज़ लोग कहते हैं भाई जुमा भी तो ईद है हाँ यकीन वह ईद है लेकिन जिस तरह से ईदलर है जिसकी अलग से नमाज है जिस तरह से ईद अजहा है उस तरह का अमल नहीं करते उसमें और इस तरह की चीज़ें नहीं है उस दिन है ना लिहाजा ये चीज़ समझने की है हज़रत ईसा सलाम के हवारीयों ने भी मुतालबा किया और हज़रतम ने जो है अल्लाह रबालमीन से उस चीज़ के लिए दुआ की थी नजर नहीं चलते हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ हमारा आज का दूसरा मौजू है गुना गुना में आज एक बहुत बड़े गुनाह के तल्ल से मैं बात करने वाला हूँ जिसको हम लोगों ने बहुत मामूली समझ लिया है और हर कोई आम तौर पर जो है इंसान उससे बचने की कोशिश नहीं करता वो क्या है झूठ झूठ एक ऐसा गुना है कि आज हम इस तरह से झूठ कहते हैं जैसे कि हमने उसको गुना समझा ही ना हो याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए हजरत अनस बिन मालिक रजी रजील् तैन फरमाते हैं दरअ हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाल का जिक्र किया या सोला कबाइर या कहते हैं कि अल्लाह के नबी से सेबाइल के तल्लुक से पूछा गया तो आपने फ़रमाया सबसे पहला कबीरा गुना अश्रक बिल्ला के साथ शिर्क करना नफ्स, किसी जान को कत्ल करना वा वाल वाल की नाफ़रमानी करना और आपने आगे फ़रमाया फ़क उनबुम बकबरक़र क्या मैं तुम्हें इस सबसे बड़े कबीरा गुनाह के ताल्लुक से न बताऊँ फरमाया कऊलूर अव शहादतूर अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुम्हें जो है सबसे, सबसे बड़ा गुना के तल्ल से ना बता दूं आपने फरमाया आपने कहाना झूठी गवाही देना अल्लाह अकबर देखिए इस हदीस में गौर कीजिए अल्लाह के नबी से सबसे पहले तो कहा कि कबीरा का जिक्र किया कहते, पहले कबीरा का जिक्र किया या अल्लाह के नबी से कबाइर के तल्लु से पूछा गया कि कबाइर गुना कौन से कौन से आपने गिनाया अल्लाह के साथ शेयर करना इसी तरह से जो है वालदे की नाफरमानी करना इसी तरह से जो है किसी जान को नाक कत्ल करना और फिर आपने कहा अलग से और ताक़ीदी तौर पर फरमाया कि क्या मैं तुम्हें और एक बड़े कबीरा गुनाह के बारे में ना बताऊँ उसमें आपने कहा कि झूठी बात करना या झूठी गवाही देना कितना बड़ा गुनाह है झूठ आज हम, हम हमारी जमानों पर यानी हमारे जमानों पर इस तरह जारी व सारी है झूठ कि हमने झूठ बोल दिया और हमने उसको बुरा भी नहीं समझा याद रखिए ज़िंदगी के हर लम्हे हर आन झूठ से बचिए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम तुम पर सच्चाई लाजिम है सच बोलना लाजिम है फ़ा यहदी सिद्क बिर इसलिए कि सच्चाई जो है नेकी की तरफ ले जाती है व यहदी इलबिर्र यहदीजन् और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है वमा यज़ालु रजुलु व यतहर्रस रजुलता हत्ता सदा हत्या सिद्दीका देखिए हमें सच बोलना ज़रूरी है झूठ से बचना ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम कि तुम सच बोलो तुम सच बोलो इसलिए कि सच नेकी की तरफ रहनुमाई करती है वह इन न सच जो है नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है आदमी हमेशा सच बोलता रहता है यहां तक कि वो अल्लाह के पास सच्चा लिख दिया जाता है आपने फरमायाब इंद सिद्दीका अल्लाह ताला के यहां सच्चा लिख दिया जाता है और आपने फरमाया कि झूठ से बचो झूठ से बचो इसलिए कि झूठ गुनाह की तरफ रहनुमाई करता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है आदमी झूठ बोलता रहता है मुसलसल झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है अल्लाह अकबर मैं और आप गौर करें क्या कहीं हमने इतने झूठ तो नहीं बोल दिए कि हम अल्लाह के यहाँ झूठे लिख दिए गए हों झूठ से बचिए झूठ से बचिए हमेशा बचिए क्योंकि ये कबीरा गुना है बहुत बुरा है एक झूठ की वजह से आपको सौ झूठ बोलने पड़ेंगे इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए मुझे और आपको झूठ के ताल्लुक से मजीदा आगे के दुरुस्त में हम लोग देखेंगे अल्लाह से दुआ इसमें महफूज रखें आमीन असल वरम्ह वीन की बात आम करने में आई प्लस टी वी की मदद करें पे या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें